हाँ तो गाइस, आज तक हम सभी लोगों ने दुकान पे बैठ के या सेठ बन के तो बहुत से चश्मे बेचे होंगे, पर क्या आप में से बहुत से लोगों ने सड़क पे चश्मे बेचे हैं? नहीं ना। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं वन डे चैलेंज, जिसमें कि हम लोग रोड साइड बैठ के चश्मे बेचेंगे। रुकिए जरा दोस्तों, अब आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि सड़क पर चश्मे बेचने का भूत कहाँ से चढ़ा, तो हम थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं। सड़क पर बेचने का भूत मुझे आज से कुछ दिन पहले, मैं जब दुकान पर बैठ के यूट्यूब चला रहा था, तो मैंने एक साहिल खन्ना और किले देखो के फाउंडर का एक इंटरव्यू देखा, जिसमें मुझे आइडिया मालूम पड़ा कि उन्होंने भी सड़क पर चश्मे बेचे थे, तो क्यों ना मैं भी चश्मे सड़क पर बेच के देखता हूँ। तो यही आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं निकल पड़ा और मैंने भी सोचा कि क्यों ना सड़क पर चश्मे बेचा जाए। हाँ फ्रेंड, क्या ये जो है बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस होने वाला है, और हम इस एक एक्सपीरियंस में देखने वाले हैं कि क्या गांव वाले हमसे चश्मे खरीदते हैं या नहीं, क्या एक्सपीरियंस। और ये है हमारे पास पूरा कंप्लीट चश्मों का माल, तो इसमें क्या माल है और हम कितने में क्या बेचेंगे ये आपको वीडियो के आगे देखने को मिलेगा। तो ये जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं हमने इस तरीके से पूरा पूरा स्टॉल लगा लिया है और यहाँ पे हम लोग तैयार हो चुके हैं चश्मे बेचने के लिए। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस किस टाइप के हमने क्या क्या चश्मे रखे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमने सब लोग शीट रीडिंग चश्मे रखे हैं, मतलब कि जिसको पास में देखने करने में समस्या आती है, ये सभी चश्मे उन लोगों के लिए रखे हैं। और बाकी और कोई गॉगल वगैरह हम लोग नहीं लाए, क्योंकि मुझे मालूम था कि गाँव वालों को पास के चश्मे में दिक्कत आती है, इसलिए हम केवल रीडिंग ग्लासेस ही लेके आए हैं, जैसे जिसको पास में देखने करने की समस्या आती है। इधर कैमरा में घुमाइए, ये देख रहे हैं आपको, ये रीडिंग ग्लासेस है, ये हम शॉप पे 140 के बेचते हैं, हम यहाँ पे 100 रुपये में बेचेंगे। तो भाई देख सकते हैं आपको कितनी भीड़ पड़ रही है, एक व्यक्ति नहीं दिख रहा है। देखते हैं आज हम धूप में मेहनत करते हुए दूर आए, हम क्या एक भी चश्मा बेच पाते हैं या नहीं। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं पूरे गांव में पूरे तरीके से सन्नाटा है, कोई भी नहीं दिख रहा है। संडे का दिन था तो यहाँ पे कोई भी व्यक्ति नहीं दिख रहा। ये बासाब जो जा रहे हैं, इनकी स्टोरी बता फ्रेंड्स, ये बासाब ने इतनी बड़ी हिट करी, इनको मैंने एक नंबर चश्मा लगा के दिखाया तो ये बोलते हैं मुझे पास का बिल्कुल नहीं दिख रहा। फिर डेढ़ नंबर लगाया तो भी बोल रहे हैं मुझे नहीं दिख रहा, दो नंबर लगाया तो भी बोल रहे हैं मुझे नहीं दिख रहा। तो मैंने बोला कि आपको क्या ये पास की चीज़ें पढ़ना वगैरह आती है, तो कहते हैं कि मुझे पढ़ना नहीं आता। तो मैंने बोला भाई साहब कैसे दिखेगा फिर पास का, पढ़ना नहीं आता तो पास की चीज़ दिखेगी कैसे। कितने कितने चश्मे बेचे आज भैया, कितने बेच दिए आपने? नहीं बिकेंगे बिकेंगे अश्विन भैया, मोहित भैया का पूरी पूरी सही बात है, अभी तो टाइम लगेगा। हाँ तो फ्रेंड्स, जो मेरा पूरा वन डे चैलेंज था वो उतनी इम्पॉसिबल सा लग रहा था, इसी गर्मी में उतनी खतरनाक धूप में यहाँ पे हम सभी चश्मे लेके बैठे हुए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी खतरनाक गर्मी पड़ रही है, यहाँ पे 2 बजे का टाइम है और अप्रैल का महीना चल रहा है, तो आप सोच सकते हैं कितनी गर्मी, हम पानी की बोतल लेके बैठे हैं और अभी तक कोई नहीं आया। तो इसे वन डे चैलेंज को हम 4 घंटे में ही ख़त्म कर देंगे मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि हमारे अभी एक भी चश्मा नहीं बिका है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सभी चश्मे ऐसे कैसे रखे हुए हैं। ये जो चैलेंज था ये हमने खत्म कर दिया है, हमें मालूम पड़ गया है कि दुकान पर बैठ के चश्मा बेचना बहुत आसान है, वहीं पे धूप में इस टाइप से मेहनत कर रहे हैं तो कोई चश्मा नहीं बिकता। और दूसरी गलती हमने ये करी कि यहाँ पे संडे को लगाया तो एक व्यक्ति भी नहीं आया, और ये गांव है ऐसा, यहाँ पे ज़्यादा लोग हैं नहीं, तो इसलिए एक भी चश्मा हमने नहीं बिका। सैल्यूट है उन लोगों को जो सुबह से लेकर शाम तक रात तक सड़क के किनारे चीज़ों को बेचते हैं, मेहनत करते हैं, धूप हो बरसात हो या गर्मी हो कुछ भी। टोपी लेके हमें उड़ गई थी और हम एक गांव में आए थे जो कि हमारे शहर से 25 से 30 किलोमीटर दूर था। तो अभी आप लोग देख सकते हैं हम रास्ते में यहाँ पे खड़े हुए हैं, अभी हम वापस अपने घर जा रहे हैं, हमारा एक चश्मा भी नहीं बिका। टेबल टेबल तैयारी के साथ आए थे, इधर दिखाइए कैमरा मैन। तो इससे ये सीख मिलती है कि आप जहाँ बैठे हैं जहाँ पे भी हो, बढ़िया हो, कोई मतलब नहीं है, जो गिरागा उसको पकड़ लो, जो मेहनत करो अपने दुकान पे बैठे बैठे, ज़्यादा मतलब नहीं धूप में घूमने से, चलो घर वाओ।